नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं अमोला शील शुक्ला आपके साथ और अब वक्त हो चला उत्तराखंड बुलेटिन का, तो उसमें आपका स्वागत करते हैं और बढ़ते खबरों की ओर। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें दो दिन बाद आज से फिर तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। वहीं आज शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी की जाएगी। बैठक में इस बात पर फैसला होगा कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए या फिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आगामी चुनाव तक बरकरार रखा जाए। बता दें कि अगले साल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी हैं। अगर पार्टी हाईकमान नेतृत्व परिवर्तन करने का मन बनाती है तो सूत्र बताते हैं कि सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज रेस में सबसे आगे होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ बीजेपी के अंदर से उठने वाली आवाज दिल्ली तक पहुंच गई है। बीजेपी ने राज्य में सत्ता और संगठन के बिगड़े तालमेल की असलियत जानने के लिए दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजे। इन ऑब्जर्वर ने केंद्रीय नेताओं को जो रिपोर्ट दी है उससे उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। नेतृत्व परिवर्तन की बढ़ती अटकलों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली रवाना हो गए हैं। भाजपा का पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजे गए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के दिल्ली रवाना होने के साथ भाजपा के भीतर सन्नाटा पसर गया है। पार्टी के सियासी गलियारों में पर्यवेक्षक की रिपोर्ट पर केंद्रीय नेतृत्व के अगले कदम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे। त्रिवेंद्र के साथ कई विधायकों ने भी दिल्ली की दौड़ लगाई। उत्तराखंड में शनिवार से भाजपा में मचे राजनीतिक भूचाल के बाद नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। शनिवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान ही सीएम त्रिवेंद्र देहरादून पहुंच गए थे। सीएम सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता सहित विधायकों ने शनिवार शाम को कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया था, जिसमें झारखंड के पूर्व सीएम रमन सिंह सहित भाजपा प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी थे। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर लगाम लगा दिया था, लेकिन आज सीएम त्रिवेंद्र के दिल्ली रवाना होने के बाद अटकलों का बाजार दोबारा गर्म हो गया है। वहीं पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पिथौरागढ़ जिले की 4 में से 3 विधानसभा सीटें भाजपा के पास हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में किसी को स्थान नहीं मिला है। वरिष्ठता पर कुमाऊं मंडल में पूर्व मंत्री पार्टी के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष और डीडी हाट विधायक विशन सिंह चुपाल, कपकोट विधायक और पूर्व मंत्री बलवंत सिंह भौरियाल, खटीमा के युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से किन्हीं 2 को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं गढ़वाल मंडल से 1 विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। इनमें बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और हरिद्वार ग्रामीण के स्वामी यतीश्वरानंद के नाम शामिल हैं। भाजपा में मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा उत्तराखंड के गठन के बाद से ही होती रही है। पहले नित्यानंद स्वामी को हटाकर उनके स्थान पर भगत सिंह कोचियारी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। फिर मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को हटाकर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सीएम बनाया गया था। इसके बाद फिर अगला चुनाव खकुड़ी के नाम पर चला गया। इसी तरह त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बने 4 साल पूरे हो रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा में चले सियासी तूफान के बाद सरकार सतर्क मोड़ पर है और असंतुष्ट सीनियर विधायकों को कैबिनेट में जगह देकर गुबार को शांत करने का प्रयास कर सकती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कहा कि अब अखाड़ों में भी महिलाओं को
बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सभी 13 अखाड़ों से नरेंद्र गिरी ने महिला दिवस के दिन 3 अपील की है। उन्होंने कहा कि और अधिक महिलाओं को अखाड़ा में महामंडलेश्वर का पद दिया जाएगा। यह बात श्री महंत नरेंद्र गिरी ने भी श्री पंचायती अखाड़ा महानिवाणी की पेशवाई के दौरान कही। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि आज देश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कई महिला संत लगातार सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी महिला अखाड़े में योग्य है और संन्यास परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है, उन्हें महामंडलेश्वर के पद से सुशोभित किया जाएगा। निरंजनी अखाड़ा में 11 महिलाएं पहले से ही महामंडलेश्वर है और इस दौरान उन्होंने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी। कुंभ में 11 मार्च को होने वाले पहले शाही स्नान को लेकर मेला पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। भारी वाहनों को मंगलवार की शाम से ही बंद कर दिया जाएगा। जिले के अंदर भारी वाहनों को नहीं आने दिया जाएगा। आवश्यक सेवाएं वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। यह प्रतिबंध 12 मार्च तक रहेगा। अभी तक हरिद्वार में हुए कुंभ के स्नानों में ट्रैफिक प्लान लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन इस स्थान पर 25 से 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। इसको देखते हुए ही ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। इस साल का पहला ट्रैफिक प्लान महाशिवरात्रि के शाही स्नान के दिन लागू किया जा सकता है और इसी हिसाब से प्लान तैयार किया गया है और ड्यूटीज भी इसी तरीके से लगाई गई हैं कि ताकि भारी वाहनों को 2 दिन पहले ही बंद करा दिया जाए और 9 मार्च की शाम से हाईवे पर भारी वाहनों को भी बंद करा दिया जाएगा। उत्तराखंड में 4 धाम सहित पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों में बर्फबारी के बाद मौसम में ठंडक आ गई है। वहीं शाम तक आसमान में बादल कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है, तो मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की संभावना जताई थी। राजधानी देहरादून में दिन भर बादल और धूप रहे, कभी कभी हल्की बूंदाबांदी भी होती रही। देर रात मौसम बदलने लगा और रात को बारिश हुई। उत्तराखंड में देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर समेत कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश हुई। राज्य में 11 मार्च तक लगातार बारिश बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। मौसम केंद्र के अनुसार 8, 9, 10 और 11 को राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि, तेज हवाएं, बर्फबारी और आकाशीय बिजली गिर सकती है, इसकी संभावना जताई गई है। पश्चिमी विभोक्ष के प्रभावी असर के कारण राज्य में आने वाले 4 दिनों तक लगातार बारिश का दौर बना रहेगा। समाज सेवक मनीष ग्वालियाल ने मसूरी विधानसभा का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान मनीष ग्वालियाल ने शिल्ला गांव के ग्रामीणों से मुलाकात की, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। शिल्ला गांव की महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है, जिसके चलते गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को 25 किलोमीटर दूर देहरादून आना पड़ता है। पूरे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं वंचित है। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कई बार विधायक ने समस्याओं को लेकर कहा गया है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। भाई साहब, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, जो विधायक क्षेत्र में उन्होंने 9 साल से जो झांका नहीं, आज मैंने जब क्षेत्र का भ्रमण करा तो लोगों की समस्या सुनी। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की काफी समस्या है, रोड बदहाल है, और दूसरा वहां बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जो मतलब लॉकडाउन के टाइम में टावर नहीं है, वहाँ पर टावर की काफ़ी समस्या रह चुकी है वहाँ पर। और दूसरा, जब क्षेत्र में कोई गर्भवती महिला वहाँ क्षेत्र में जाती है तो वहाँ पर उनको मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी जो मेन समस्या है, यहाँ पे टावर नहीं है और यहाँ रोड की भी बड़ी समस्या है। यहाँ पे जैसे कोई बीमार पड़ गया तो हमें सुविधा नहीं है कि छोटा मोटा क्लिनिक हो जाए, तो यही हमारी समस्या है। और ऐसे तो काफी समस्याएं हैं, लेकिन देखते हैं इतनी समस्या अगर हमारी हल हो गई तो हम भाई के साथ हैं। हाँ जी, बात तो चित करते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं,
और विधायक जी भी यहाँ आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काम नहीं होता। नहीं, काम क्यों नहीं होता, लेकिन रोड का काम हमने अभी तक देखा नहीं है। लश्कर खानपुर के पूर्णपुर गांव में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा पशु प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें आसपास के ग्रामीणों के करीब 50 पशु लेकर पहुंचे। हालांकि इस प्रदर्शनी में पशुओं की संख्या देखने में काफी कमी रही। पशु मेले में पहुंची पशुओं की नस्ल की पहचान करने के लिए पशु चिकित्सा विभाग की ओर से एक टीम बनाई गई, जिसने बेहतर नस्ल और बेहतर रख रखाव को लेकर पशुओं का चयन किया गया। बाद में पशु मालिकों को प्रमाण पत्र और इनाम भी दिया गया। इस प्रदर्शनी में पहुंचे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश भारद्वाज ने बताया कि समय समय पर इस तरह की प्रदर्शनी लगाई जाती है और पशु स्वास्थ्य विभाग बेहतर नस्ल और बेहतर रख रखाव करने वाले पशुपालकों को विभाग की ओर से प्रमाण पत्र और कुछ इनाम देकर सम्मानित किया जाता है। पहली बात तो ये है कि जो पशु प्रदर्शनियों का स्तर होता है वो अलग अलग स्तर के प्रदर्शनियों का आयोजन होता है, और ये जो प्रदर्शनी है ये छोटी प्रदर्शनी है। जो आप कह रहे हैं कि पशु कम है, मेरे ख्याल से लगभग 50 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए हैं जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, और करीब 50 से ज़्यादा जानवर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छी संख्या है पशुओं की ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से। दूसरा, पशुओं के मेले का जो आयोजन किया जाता है वो लोगों में एक प्रचार प्रसार करना, पशुओं के प्रति, पशुपालन के प्रति जागरूकता फैलाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि होलस्टीन और जर्सी काफ़ी अच्छे पशु यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, और हमारी पशु चिकित्सकों की टीम है, करीब 6 पशु चिकित्सक की तैनाती इस चिकित्सक। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में हरियाणा से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गर्भवती महिलाओं की लिंग जांच करते हुए एक डॉक्टर को और दो दलालों को रंगे हाथ पकड़ा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम तीनों को अपने साथ पूछताछ के लिए हरियाणा ले गई, जहां पर आगे की कार्रवाई की जाए। बता दे कि हरियाणा के भिवानी के स्वास्थ्य विभाग की टीम को जानकारी मिली थी कि रुड़की के आवास विकास कॉलोनी में एक डॉक्टर मोटी रकम लेकर अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए गर्भवती महिलाओं की लिंग जांच करते हैं, जिसके बाद भिवानी के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया और डॉक्टर के दलालों से संपर्क किया और आवास विकास कॉलोनी स्थित डॉक्टर के अस्पताल पहुंचे। वहां पर डॉक्टर ने 35,000 रुपए लेकर गर्भवती महिला की लिंग की जांच करना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टर को रंगे हाथ पकड़ ली। हम भिवानी की टीम हमने एक गठित करी कि वो हमें इसलिए गठित करी क्योंकि हमें गुप्त सूचना मिली, जिसके ऊपर हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनका सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, मतलब लिंग जांच की जाती है जो इलीगल है। तो उसके ऊपर हमने टीम गठित कर और आज हमने यहाँ पर रेड डाली और यहाँ हमने अपने जो हमारे साथ एक हम टाउट बना एक डिकॉय बनाकर लेके आए थे प्रेग्नेंट महिला को, और यहाँ उन्होंने तब कोई रसीद पर मतलब पर्ची नहीं उसकी काटी, कोई पर्ची नहीं बनाई और उसका कोई एफ फॉर्म नहीं भरा गया और उसका उन्होंने लिख जांच कर। चमोली में एक तपोवन जल प्रलय को लेकर एक महीना हो गया। डर, दुख, यादों और आंसुओं से भरा ये महीना ऐसे बीत गया जैसे कल की बात हो। दुनिया के लिए शायद कुछ ना बदला हो, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए दुनिया ही बदल गई है। 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से अचानक नदी में आई तबाही ने कई जिंदगियां खत्म कर दी थी। नदी में आए सैलाब ने 2 बिजली परियोजनाओं को भी तबाह कर दिया था। इस तबाही में 204 लोग लापता हो गए थे। रेस्क्यू टीम ने 70 से ज्यादा शव बरामद कर लिए हैं। वहीं जो लोग अब भी लापता हैं उनको मृत मान लिया गया है, जिससे उनके परिवार भी मदद के हकदार बन पाए। तपोवन जल प्रलय को एक महीना हो गया, जिसमें कई जिंदगियां तबाह हो गई, कई लोगों के मकान बह गए तो कई लोग जल प्रलय में बह गए। इतना ही नहीं, घटना के बाद ऋषि गंगा की जल प्रलय में रैडी गांव के पास मलारी हाईवे पर 90 मीटर लंबा मोटर पुल भी बह गया था, जिसकी वजह से 13 गांव अलग थलग पड़ गए थे। वहां अब वैली ब्रिज का निर्माण कर आवाजाही शुरू कराई गई है। त्रासदी के एक दिन बाद 8 फरवरी को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हादसे को लेकर जानकारी दी थी। सीएम ने कहा था कि पूरी रात रेस्क्यू चलता रहा,
तपोवन गांव के पास एनटीपीसी परियोजना का काम चल रहा था। हमें पता चला कि वहां तपोवन में एक कंपनी थी जहां 24-25 लोग थे जो काम कर रहे थे। हादसे के बाद लापता लोगों का आंकड़ा 203 के पार पहुंच गया है। इनमें से 11 का शव बरामद किया गया है। राहत कार्य जारी है। तपोवन में एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्लांट में काम चल रहा था। जिस वक्त ग्लेशियर फटने के बाद सैलाब आया, उस वक्त टनल की दूसरी तरफ 40 मजदूर काम कर रहे थे। उन्हें फोन पर अचानक से फ्लैश फ्लड की जानकारी दी गई, जिसके बाद सभी मजदूर अनन फनन में ऊंचाई की तरफ दौड़ने लगे और जब तक सैलाब उन तक पहुंचता वो काफी दूर जा चुके थे। कामगारों ने प्राकृतिक आपदा से किसी तरह अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। हालांकि उनके कपड़े, पैसे और आधार कार्ड सैलाब की भेंट चढ़ गए। मजदूरों ने कहा कि भयंकर सैलाब उनका सब कुछ बहा ले गया। उस भयानक मंजर के बारे में बताते हुए वे डर से कांप उठते हैं। ये मजदूर बताते हैं कि भगवान ने ही बचाया है। इन मजदूरों का कहना है कि अगर रविवार का दिन नहीं होता और प्लांट में मजदूरों की छुट्टी नहीं होती तो टनल में सबसे ज्यादा मजदूर काम कर रहे होते। इन मजदूरों का कहना है कि अब उन्हें रोटी कहां से मिलेगी और उनका तन ढकने के लिए कपड़ा कौन देगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है। ऐसे में कुंभ नगरी हरिद्वार से साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद ने भी इस अवसर पर महिलाओं को बधाई दी है। इस अवसर पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि वे परिषद की ओर से सभी महिलाओं को आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में देश की सुरक्षा, आर्थिक और अन्य कई क्षेत्र में भी उच्च स्थान पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा अध्यात्म के क्षेत्र में भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं। अखाड़ों में कई महामंडलेश्वर के पदों पर महिलाएं हैं तो वहीं कथा व्यास के रूप में भी अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। अखाड़ों में आधे से अधिक की संख्या पर महिलाओं को सुशोभित किया जाएगा। महिलाओं को अखाड़ों में उच्च पदों के साथ साथ महामंडलेश्वर जैसे उच्च पदों पर भी स्थान दिया जाएगा। इसी के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।